अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स www.xpacademy.com, जिसमें आप ऑटोकैड स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेसन हमारा आर की डिटेल के बारे में है। पिछले लेसन में मैंने आपको आर का सिंपल यूज बताया था, इस लेसन में मैं आपको आर की डिटेल्स से आगाह करूंगा। हमेशा की तरह सबसे पहले हम अपने यूनिट्स का सेटअप बनाएंगे। यू एन एंटर करें, यू एन मैंने एंटर किया, इंजीनियरिंग, फिर सोरेंच, ओके, देन डी एंटर कर दें, मॉडिफाइड, इंजीनियरिंग, फिट सरेंच, ओके, क्लोज करते हैं। यूसीएस आइकन को हमेशा लॉक करना ना भूलें, ओरिजिन असाइन करते हैं इसे। पिछले लेसन में हमने स्टूडेंट्स देखा था आर्क के, हम आर्क को 1, 2, 3 पॉइंट्स दे देते थे, आर्क लग जाती, लेकिन आज हम इसकी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं एक लाइन लेना चाहूंगा जो कि मेरे पास है 5 फिट्स की। मैंने 5 फिट्स की एक सीधी लाइन लगा डाली स्टूडेंट्स, मेरे पास ये 5 फिट्स की लाइन है। तो आर्क के अंदर चलते हैं, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट देते हो तो आर्क आपके पास ड्रा हो जाती है, आप इसको दाएं बाएं मूव कर सकते हो। ये चीजें मैं आपको पिछले लेसन में बता चुका हूं। चलते हैं ड्रॉ के अंदर, मजीद ऑप्शन को देखते हैं। आर्क सबसे पहली ऑप्शन आ जाती है 3 पॉइंट्स, ये वही ऑप्शन है जो बाहर पड़ी हुई है यहाँ पर। मैं इसे ले लेता हूँ अगेन, आप सीधे दोगे 1, 2 और 3, तो 3 पॉइंट्स थी आपके पास, ये आर्क एक ड्रॉ होकर आ चुकी है। इसी तरह से वापस मैंने इसको डिलीट किया, अगेन मैं ड्रॉ के अंदर चला गया। नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन आ रही है स्टार्ट, सेंटर, एंड। अब नाम से जाहिर है पहले आपको स्टार्ट पॉइंट देना होगा, सेंटर देना होगा, एंड देना होगा। अब कमांड को एक्टिव करें, स्टार्ट पॉइंट दें लाइन का, सेंटर पॉइंट दें और एंड दें। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसको लेफ्ट टू राइट शुरू किया है, मैंने इसको स्टार्ट दिया, सेंटर दिया और एंड पॉइंट दिया, तो ये नीचे की तरफ ड्रा हुई है। इसी चीज को अगर आप गौर करें, मैं अगर दोबारा से 5 फिट्स की एक लाइन ले लेता हूं, यहां पे मैंने कहा 5 फिट्स की मेरे पास एक और लाइन है, अगेन मैं ड्रॉ के अंदर चला गया, आर्क के अंदर चला गया, स्टार्ट सेंटर एंड उठा लिया। अब मैंने इसको स्टार्ट किया राइट टू लेफ्ट, तो जैसे मैं राइट टू लेफ्ट आया तो ये अब ऊपर की तरफ जा रही है मेरे पास। ये नहीं कि अगर आप लेफ्ट टू राइट आएंगे नीचे की तरफ आर्क जाएगी, अगर आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ निकलेगी शेप्स। एक और मैं लाइन ड्रॉ कर लूंगा स्टूडेंट्स 5 फिट्स की, लेट स्पेस, ई स्पेस मैंने प्रेस कर दिया, अगेन आप ड्रॉ के अंदर जाएं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है स्टार्ट, सेंटर और एंगल। स्टूडेंट्स, मैं आपको एंगल्स के बारे में पहले से आगाह कर चुका हूं, दोबारा से देखते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करो और सेंटर पे दो। अभी आपसे स्टूडेंट्स एंगल मांग रहा है, आपके पास एंगल है 0 से लेकर 360 तक। अगर इसको मैं दे देता हूं 355, मैंने इसको एंटर किया तो देखें ये 0 से स्टार्ट हुआ, चलते चलते सो ऑन 355 पे आकर रुक चुका है। ये जो बीच में गैप आ गया ये 5 का एंगल आ चुका है। मैं अगर इसका एंगल कंफर्म करूं, इसको मैंने एक पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट भी देता हूं इसे कहीं भी, और डिम स्केल DIMSCALE, मैंने इसको कुछ भी दे दी वैल्यू 3 फिट्स का मैंने डिम स्केल दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास एंगल कितना दिखाई दे रहा है, मैं इसको डिम स्केल छोटा कर देता हूं, मैंने इसको 2 फिट्स दिया, अपडेट। तो देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास डिम स्केल कितना आ रहा है, सॉरी एंगल मेरे पास कितना आ रहा है 355 का। इसी तरह से अगेन मैं 5 फिट्स की लाइन चूज करूंगा। अब अगर आपको कोई 90 का एंगल देना है तो आप कैसे दे पाओगे, या कुछ भी डिफरेंट एंगल आप लेना चाह रहे हो। मैंने इसको स्टार्ट दिया राइट हैंड साइड से, मेट पर आ गया, इसको स्टूडेंट्स में वैल्यू देने जा रहा हूं 45 का एंगल। जैसे मैंने इसको एंटर किया, अब आप देखें स्टूडेंट्स ये 45 का एंगल तक आकर रुक चुका है। आप इसको एक और तरीके से भी कंफर्म कर सकते हैं, मैंने इसके मिडिल पे एक लाइन ले लेता हूं, शिफ्ट एट द रेट, कोई भी लाइन की लेंथ रख ले और 45 का एंगल दे दें आपसे। अब देखिए स्टूडेंट्स मैंने 3 फिट्स की लाइन ली, 45 का एंगल दिया, अब देखें ये सिर्फ और सिर्फ 45 तक चला गया।
ये लाइन और ये लाइन आपस में, आर्क और लाइन आपस में टच कर रही है, मींस ये हमारा एंगल कौन सा है, 45 का। आप अगेन चेक कर सकते हैं एंगल में जाके, तो ये आपके पास एंगल कितना आया, 45 आया। इस तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपको नीचे की जानब एंगल चाहिए सेम इसी जगह पे, तो फिर आप क्या करेंगे, अगेन ड्रॉ के अंदर जाएं, यही ऑप्शन उठाएं, स्टार्ट सेंटर एंगल, आप स्टार्ट दें सेंटर दें, जस्ट आप माइनस की वैल्यू में चले जाएं। जब आप माइनस 45 देंगे ऑटोमेटिकली वो उसके अपोजिट निकलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, फिर 5 फिट्स की मैंने एक लाइन लगा दी स्टूडेंट्स, ड्रॉ के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास ऑप्शन आ रही है, स्टार्ट सेंटर और लेंथ आ रही है। जब आप ये ऑप्शन अप्लाई करोगे, आपके पास लाइन की लेंथ कंफर्म होना जरूरी है, क्योंकि ये बेस करेगा लाइन की लेंथ के ऊपर। मेरे पास जो लाइन की लेंथ है वो कितनी है, 5 फिट्स है, तो मैं अब इस ऑप्शन को अप्लाई करने जा रहा हूं। ड्रॉ के अंदर जाए, आर्क के अंदर जाए, स्टार्ट सेंटर और लेंथ के अंदर चले जाए। इसमें आपने स्टार्ट पॉइंट दे देना है, सेंटर पॉइंट देना है, अब ये आपसे लेंथ कंफर्म कर रहा है। अगर स्टूडेंट्स इससे मैं देता हूँ 5 फिट्स और 1 इंच, तो ये लाइन कभी ड्रॉ नहीं होगी। मैंने इसको एंटर किया, मैसेज क्या आ रहा है, इनवैलिड का। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है जिस बेस के ऊपर आप लगा रहे हो वो है 5 फिट्स की, तो जहरी सी बात है 5 फिट से ऊपर तो नहीं जा सकते हो, इसके इक्वल आर लेस देन वैल्यू दोगे तो इसको ये एक्सेप्ट करेगा। इक्वल से मुराद 5 फिट्स की लाइन है, 5 फिट्स का इक्वल आएगा, लेस देन 5 फिट से कोई भी नीचे नीचे वैल्यू, यानी कि 1 फिट से लेकर 5 फिट तक कोई भी आप वैल्यू देंगे तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा लेंथ, अदरवाइज आप कोई और वैल्यू देंगे तो उसको एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेगा। अब मैं सिर्फ 4 फिट की वैल्यू देने जा रहा हूं, मैं ड्रॉ में गया, आर्क में गया, स्टार्ट सेंटर लेंथ पे आ गया, मैंने उसको स्टार्ट दिया सेंटर और मैं सेता हूँ 4 फिट्स। जैसे मैंने उसको 4 फिट्स दिया, मेरे पास आर्क ड्रॉ हो चुकी है 4 फिट्स तक। अब आप लेजेंड के अंदर आएंगे, स्पेस लगाएंगे, एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, तो देखा स्टूडेंट्स आपके पास ये लेंथ किधर आ रही है, 4 फिट्स पर आ रही है, यानी कि इस आर्क की जो लेंथ है बेसिकली वो 4 फिट्स है। अगर आप इस आर्क को सीधा करें तो ये आपके पास 4 फिट्स की निकल कर आएगी। इस तरह से जो पीछे हमने लगाया था ये हमारा एंगल था, आप क्लिक करो इसके ऊपर तो ये आपको 45 का आपको एंगल दिखाई देगा। वापस एक मैं 5 फिट्स की लाइन लगा लेता हूं नीचे की जानब, ड्रॉ के अंदर चलते हैं, आर्क के अंदर आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास आ रही है स्टार्ट एंड और एंगल, बात ऊपर वाली है स्टार्ट सेंटर और एंगल, यहां पे आपने स्टार्ट एंड और एंगल पे क्लिक करना है। तो मैंने ऑप्शन एक्टिव की, मैंने इसको स्टार्ट पॉइंट दिया, मैंने इसको एंड पॉइंट दिया, मैं इसको कोई भी एंगल एंटर कर सकता हूं, मैंने इसको 85 एंगल दे दिया। जैसे मैंने इसको एंटर किया तो स्टूडेंट्स देखें तो ये 85 के एंगल तक चली गई आर्क। आप एंगल उठाएं, पॉइंट दे तो ये आपके पास 85 का एंगल आ चुका है। अगेन मैं एक और लाइन लगा लेता हूं आपके पास 5 फिट्स की। नेक्स्ट ऑप्शन को हम देखेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है, स्टार्ट एंड और डायरेक्शन। डायरेक्शन से ये मुराद है जिस तरफ आप क्लिक करोगे, अगर आपके पास हॉरिजेंटल आर्क है, हॉरिजेंटल लाइन है, यानी कि एक्स के ऊपर लाइन है, तो इसकी डायरेक्शन बनेगी अप एंड डाउन। अगर आपके पास वर्टिकल लाइन है, इसकी डायरेक्शन बनेगी लेफ्ट और राइट। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, कहते हैं स्टार्ट पॉइंट बताओ, एंड बताओ, अब आप क्लिक करो या नीचे क्लिक करो, जिधर भी आप क्लिक करोगे तो स्टूडेंट्स ये उस तरफ लाइन अप्लाई हो जाएगी, आर्क अप्लाई हो जाएगी। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूं, क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हो तो शेप हमेशा नीचे आती है, मैं इसे ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो देखें जिधर आप क्लिक करोगे उधर ये शेप जाएगी। अगेन मैं 5 फिट्स की लाइन लगा रहा हूं स्टूडेंट्स, ड्रॉ के अंदर आप चलो, आर्क के अंदर आ जाओ। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ रही है स्टार्ट एंड और रेडियस। स्टूडेंट्स ये मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था, सर्कल वाले लेसन में, रेडियस क्या चीज होती है। रेडियस आपके पास टोटल वैल्यू की आधी वैल्यू को रेडियस कहा जाता है। फर्ज करें अगर आपके पास 10 की कोई वैल्यू है तो उसका रेडियस क्या होगा, 5। तो चलते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करना है, एंड पे क्लिक करना है और रेडियस डिफाइन करना है। स्टूडेंट्स मैंने इसको स्टार्ट दिया और एंड दिया। अब स्टूडेंट्स मेरे पास ये जो बेस लाइन है ये 5 फिट्स की, डेफिनेटली 5 का आधा आपके पास कितना बनता है, 2 फिट्स और 6 इंचेस। अगर स्टूडेंट्स मैं इसको वैल्यू दे दूं 2
फिट्स और 5 इंचेस जैसे मैं सेंटर करूंगा, ये कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? आप रेडियस से वैल्यू कम दे रहे हो। लेंथ और रेडियस में यही फर्क है। लेंथ में आप वैल्यू ज्यादा नहीं दे सकते हो लाइन की बेस से, जबकि रेडियस में आप अपनी लाइन के रेडियस से वैल्यू को कम नहीं रख सकते हो। अगेन मैं यही ऑप्शन एक्टिव करूंगा। मैंने इसको स्टार्ट पॉइंट दिया, मैंने इसको एंड पॉइंट दिया। अब मैं इसको रेडियस स्टूडेंट्स यहां पर डिफाइन करने जा रहा हूं 5 फिट्स। हत्ता कि आप इसको 2 फिट्स और 6 इंच दें, एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं इसको इससे कोई बड़ी वैल्यू दे दूं तो उसको भी एक्सेप्ट करेगा। आप स्टार्ट पॉइंट दें, एंड पॉइंट दें, आपसे देते हो 4 फिट्स तो इसको ये डेफिनेटली एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर आप इसको छोटी वैल्यू दोगे तो इसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगेन मैंने 5 फिट्स के कोर लाइन लगा लेता हूं स्टूडेंट्स। मेरे पास अगेन 5 फिट्स की एक लाइन आ रही है। आप ड्रॉ के अंदर जाए, आर्क के अंदर जाए। नेक्स्ट अगेन यही ऑप्शन रिपीट हो रही है, जस्ट पॉइंट चेंज हो चुके हैं। देखें स्टार्ट सेंटर एंड। अब यहां पे देखें सेंटर स्टार्ट एंड, यानी कि आपने पहले सेंटर को क्लिक करना है, देन स्टार्ट को क्लिक करना है, देन एंड को क्लिक करना है। तो शुरू करते हैं, पहला सेंटर क्लिक कर दे, उम्मीद है नजर आ रहा होगा आपको, एंड और सॉरी एंड सेंटर स्टार्ट एंड मैंने इसको डिफाइन किया तो मेरे पास ये ऑप्शन ड्रॉ करा चुकी है। अगेन मैंने फिर 5 फिट्स की लाइन लगाई, ड्रॉ के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास आ रही है सेंटर स्टार्ट और एंगल, तो मैंने दे दिया सेंटर स्टार्ट, इसे मैं एंगल दूंगा यहां पे 45 डिग्री, तो ये 45 पे जाकर रुक जाएगा। नेक्स्ट वाली ऑप्शन आप स्टूडेंट्स खुद ट्राई करें, ये है सेंटर स्टार्ट लेंथ बेस टू बेस, इसकी बिल्कुल सेम टू सेम बेस है इसकी, जस्ट इसमें पॉइंट स्टार्ट है, इसमें पहला पॉइंट सेंटर है। अच्छा कंटिन्यू क्या होता है? जो कंटिन्यू बेसिकली काम करता है आपके लास्ट पॉइंट पे, जो आपने लास्ट आर्क लगाई हुई है उसको अगर आप मजीद बढ़ाना चाह रहे हो आगे, तो आप ड्रॉ के अंदर जाओ, आर्क के अंदर जाओ, जस्ट कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करो। जैसे मैंने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया, देखिए स्टूडेंट्स आखिरी आर्क आपके सामने मैंने ये लगाई हुई थी, तो ये इसको आगे बढ़ा रहा है। अब यहां आप सोच रहे होंगे शायद ये आधी आर्क थी इसलिए, नहीं। अब देखें ये भी तो आपके पास 45 के एंगल पे थी, ये आपके पास 4 फिट की लेंथ लेकर आ रही थी, लेकिन कंटिन्यू से कोई एक्टिव करेगा जो इसके एंड में होगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आर्क के बारे में लेसन। ये फाइल आपकी प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल वीडियो के नीचे डाउनलोड की ऑप्शन पे आप क्लिक करें तो आप इसे अपने कंप्यूटर में पाएंगे इस फाइल को। मजीद मालूमात के लिए स्टूडेंट्स प्लीज विजिट करें हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com। यहां पर एक जरूरी ऐलान मैं करता चलूं, जिन लोगों ने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है वो प्लीज अपने सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।